नोएडा से खबर मिल रही, जहां पर सोते वक्त तीन बहनों पर एसिड अटैक हुआ है। बड़ी बहन गंभीर रूप से झुलस गई है, सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसओ सुधीर सिंह ने एसिड अटैक की पुष्टि की है। परसपुर थाना क्षेत्र के पका गांव का यह मामला है। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तीनों बहन जब सो रही थी उस वक्त उन पर एसिड अटैक हुआ, जिसमें बड़ी बहन गंभीर रूप से झुलस गई है, काफी ज्यादा झुलस गई है। मामले की जांच पर पुलिस अब जुट गई है। बता दें कि गोंडा से खबर मिल रही, जहां पर सोते वक्त तीन बहनों पर एसिड अटैक का ये मामला सामने आया है। लगातार जो है एसिड अटैक पर कंट्रोल की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, कानून भी बन रहे हैं, बावजूद इसके एसिड अटैक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक और मामला ये एसिड अटैक का सामने आया, जब तीन बहनें सो रही थी तो उन पर एसिड अटैक हुआ, जिसमें बड़ी बहन काफी ज्यादा झुलस गई। तीनों को जिला अस्पताल में एडमिट कराया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। सोते वक्त तीन बहनों पर एसिड अटैक का यह मामला सामने आया। गोंडा से बड़ी बहन गंभीर रूप से झुलस गई है और तीनों बहनों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, काफी विचलित करने वाली है। एसओ सुधीर सिंह ने एसिड अटैक की पुष्टि भी की है। परसपुर थाना क्षेत्र के पक्का गांव का यह मामला है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार, क्या जानकारी मिल रही है, किसने एसिड अटैक किया था, अब तक क्या सामने आया है? देखिए, अभी तक फिलहाल ये बात स्पष्ट नहीं हो चुकी है, क्योंकि पुलिस के द्वारा ना परिजनों के द्वारा ये अभी नहीं बताया जा रहा है कि किसने ये अटैक किया होगा। लेकिन जब मेरी परिजनों से बात हुई या इलाकाई पुलिस से बात हुई, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इनका किसी से कोई विवाद नहीं हुआ, ना विवाद था और ना है। ऐसे में ये तीनों लड़कियां अपने ही कमरे में, अपने घर में, वो तीनों बेटियां एक साथ सोई हुई थी, और जो उनके उस कमरे का झरोखा होता है, उस झरोखे के रास्ते से एसिड अटैक किया गया है। जो बड़ी सिस्टर थी, बड़ी बहन थी, उसको ज्यादा लगी है, उसके चेहरे पर जो है वो एसिड पड़ा हुआ है, वो ज्यादा गंभीर अवस्था में है, और जो दो छोटी बहनें हैं उन पर भी उसके छींटे पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, पुलिस फिलहाल इसमें जांच की बात कर रही है। जी राजकुमार, क्या जानकारी मिल रही है, डॉक्टर्स का क्या कहना है कि तीनों की हालत अभी कैसी बनी है? तीनों की स्थिति देखिए, जो बड़ी लड़की है उस पर उसके चेहरे पर अटैक ज्यादा हुआ है, तो उसको लेकर के डॉक्टर, हालांकि फिलहाल अभी वो डॉक्टरों की देखरेख में है, अभी डॉक्टर इसके लिए थोड़ा सा जो है वो मीडिया को भी थोड़ा सा हटाया गया है कि कम से कम इन लोगों से बात ना हो सके, और उसकी अभी फिलहाल वो उपचार कर रहे हैं। तो जो कुछ होगा ये अभी कुछ देर के बाद ये निकल के आएगा। फिलहाल अगर परिजनों का माना जाए तो परिजनों का साफ कहना है कि मेरा किसी से कोई भी बात नहीं था। ऐसे में ये कह पाना मुश्किल है कि फिलहाल ये किसने किया होगा। जी राजकुमार सिंह, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।